भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज रेलवे स्टेशन के समीप एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताते चले कि इस अज्ञात महिला की मौत समर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। घटना स्थल पर रेलवे पुलिस फोर्स पीयूष कुमार सुल्तानगंज थानाध्यक्ष प्रियरंजन अपने दल बल के साथ पहुंचे। वहीं पुलिस घटना की छानबीन कर उक्त अज्ञात महिला की पहचान में जुटी हुई है। हम लोग को रेलवे द्वारा सूचित किया गया कि कमरगंज स्टेशन के पास ट्रेन से एक दुर्घटना होकर एक महिला की मृत्यु हो गई है, तो उस सूचना पर हम लोग यहाँ पे आए थे। तो यहाँ रेलवे द्वारा मेमो दिया गया हम लोगों को, उनके द्वारा बताया गया कि ड्राइवर ने स्टेशन पे बताया है कि एक महिला जो है ट्रैक पे चल रही थी, इसको हॉर्न मारा गया था, फिर भी हटी नहीं, उससे दुर्घटना हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अभी पहचान हुई है कि नहीं? अभी पहचान नहीं हुई है। समर स्पेशल का ड्राइवर रिपोर्ट हम लोग को किया है। क्या क्या किया? ये घटना हो गई। क्या क्या घटना घटी है? धक्का लगा है। क्या चीज से? ट्रेन से। कौन सा ट्रेन? समर स्पेशल का ड्राइवर हमको रिपोर्ट किया। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र में विगत 16 अप्रैल को संध्या में NH-80 पर फरक्का गांव के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकों की मृत्यु हो गई थी। इसको लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा सड़क जाम और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई थी। यहां तक कि पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया था। इसी बाबत आज 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही पुलिस को क्या बोलते हैं, उपद्रव मचाया गया और पुलिस को प्रशासन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी किया गया। हम लोगों के द्वारा जो है सरकारी कार्य में बाधा भी की गई, रोड जाम किया गया। इस कार्य को इस कार्य को देखते हुए जो हम लोग जो है फोटो और वीडियो के आधार पर जो है लोगों को चिन्हित करके प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के आधार पर जो है कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें की फिलहाल अभी रिमांड ले लिया गया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लगातार जमीन पर भूमाफियाओं और दबंगों का अवैध कब्जा को लेकर खूनी खेल व मारपीट जारी है। इसी बाबत कोतवाली थाना क्षेत्र की द्वारकापुरी कॉलोनी के सामने जमीन को लेकर भारी विवाद हुआ। मामले को लेकर पीड़ित थाने से लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, पर कहीं से कोई न्याय संगत कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित का कहना है कि जमीन मैंने अपना सब कुछ लेकर खरीदा था, लेकिन अब उस जमीन पर विरोधी अपना कब्जा जमाने की फिराक में लगे हुए हैं। ये क्या जबरदस्ती आपका है जमीन, जो आप इधर से घुसिएगा है तो आप लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, थाना वाला आपको बोला ये वो, थाना में आपका केस कल खारिज किया गया है, थाना में आपको कहा गया कल कि आप कोर्ट से आइए, क्योंकि थाना में मेरा पेपर देखा गया, मेरा पेपर जो है, मेरा जमीन जहाँ रह रहे हैं वो मेरा जमीन है,
तो नहीं ये मेरा जमीन है जो मतलब हम घुसेंगे तो कैसे घुस जाइएगा। उसमें बाद वो गला गलोच हम लोग को भी करने लगा। तब तक सोचे कि नहीं वीडियो बना लेते हैं, मोबाइल गए लाने के लिए तो हम वीडियो बनाए। उसके बाद फिर दोनों में मतलब हम हुआ एक दूसरे स्तुतुमे में। उसके बाद वो नीचे उतरा, उसका मिस्त्री सब चढ़ने लगा तो बोले कोई मिस्त्री यहाँ नहीं चढ़ेगा, अगर चढ़ गया मेरे प्लॉट पे मिस्त्री तो हम फिर आगे केस कर देंगे मिस्त्री सब पर भी। हम मिस्त्री का फोटो वीडियो ले लिए। मिस्त्री लोग डर से तो खैर उतर गया। बाद में फिर वो थाना में एप्लीकेशन दिया मेरे खिलाफ कि ये मारपीट किया, जबकि हम वीडियो में साफ है कि वो इधर नहीं आया ना हम उधर गए। बीच में ईटा सब गिरा हुआ है तो कोई किधर नहीं जा सकता है, लेकिन वो ईटा जो धकेला जिसकी वजह से मेरे पैर में हल्का चोट लगा। उसके बाद वो थाना गया, थाना से लगे ये मेरे बारे में कि ये मारपीट की, जबकि हम मारपीट किए नहीं। थाना वाला को भी समझाए, फिर वो भी गए बोले आइंदा जो है कुछ इस पे करना नहीं। नहीं कर रहे हैं, वो घुस रहा था तभी हम कर रहे हैं, नहीं घुसता तो हम कुछ नहीं करते, हम अपना रह रहे हैं आराम से। दरवाजा खटखटाए। ये मैंने अफजल अहमद पिता स्वर्गीय अख्तर अहमद से जमीन एग्रीमेंट कराया था 2021 में 22 जनवरी 2021 में। उनको 1 करोड़ रुपया उस समय हमने दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे जो है मार्च में 26 मार्च 2021 को सुल्ताना अहमद ने मुझे जो है ये 2 खेसरे की ज़मीन में रजिस्ट्री किया। एक वो है खाता 2 खेसरा 693 में 992 स्क्वायर फीट और खाता 675 खेसरा 694 में 403 स्क्वायर फीट रजिस्ट्री किया, जो कि मेरा फ्रंट पर है। फ्रंट पर कुछ पार्ट जो है रोड्स के रहने के कारण चौथी में निज विक्रेता व अन्य आदमी का नाम दिया गया, और उस समय से भी ये मुझे दखल में है और मैं इसमें घर बना करके अपना कस्टम करके रह रहा हूँ फैमिली के साथ। और फिर उन्होंने दूसरे उनके शिष्यदार ने सगुप्ता अहमद और हमजा अहमद ने हमें ज़मीन रजिस्ट्री किया 1600 स्क्वायर फीट। उसके बाद तीसरा रजिस्ट्री करना था अफजल अहमद को, तो मुकर गया, बोला हम एक साथ पूरा पेमेंट लेंगे, जबकि 4 टर्म में रजिस्ट्री लेने की बात थी। तो तीसरा टर्म का पेमेंट होने के बाद उन्होंने रजिस्ट्री किया, चौथा टर्म के लिए हम कुछ पेमेंट और बढ़ा के दिए। फिर बोला कि ठीक है पार हो गया, आप जो पैसा बंद कर दीजिए, और उन्होंने कहा कि हम दूसरे को बेच दिए हैं, 30 अप्रैल तक आपको रुकना होगा। हमको क्यों रुकना होगा, कहा कि आप पूरा समय पर पैसा नहीं पूरा, हमको जितना पेमेंट दिए तीसरा पार्ट पार कर गया था, चौथा पार्ट का था नज़दीक में है लगभग जो है, मतलब 2 पार्ट रजिस्ट्री होने के बाद अफजल अहमद को मैंने 83 लाख अफजल अहमद का और 50 लाख उसकी माँ का उसके अकाउंट में दिया है, जिसका मतलब मेरे पास प्रमाण है। और फैजल अहमद चौथा फरीकैन है, फैजल अहमद और फैसल अहमद, उनको मैंने 85 लाख उसके अकाउंट में दिया, और इन दोनों ने जमीन मुझे रजिस्ट्री नहीं किया। इनका 15 लाख और उनका 17 लाख ये मात्र बकाया है, और अचानक समय के पूर्व उन्होंने हमें जो मौकिक था कि 22 दिसंबर तक फरवरी तक 3 फरवरी को पेमेंट लेना रोक दिया, और इस बीच में उन्होंने दूसरे को एग्रीमेंट कर दिया। भागलपुर में भीषण गर्मी पड़ सकती है, जिले के कई हिस्सों में जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकारी उदासीनता के कारण पीरपैंती बड़गामा के लोगों को पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रहा है। बड़गामा गांव में आदिवासी समाज के 200 से अधिक परिवार रहते हैं और हर साल गर्मी के सीजन में पानी की किल्लत होती है। मात्र एक सरकारी हैंडपंप है जिस पर पूरा गाँव निर्भर है, पानी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। कई वर्षों से आदिवासी समाज के लोग सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता की मार झेल रहे हैं। आज हमारा बाप दादा मांगते मांगते वो लोग भी थक गए, फिर भी नहीं होगा। अब अभी हम लोग थोड़ा बुद्धि भगवान ने दिया है, तो हम लोग भी थोड़ा सरकार से मांग रहे हैं, वो भी अभी तक पानी के उपलब्ध नहीं है। अभी यहाँ चापाकल बंद हो गया है, तो कहाँ से फिर पानी लाइएगा? अभी तो पानी हम लोग का जीवन तो किसी तरह बचाना ही होगा, जैसे कि 2 मीटर इधर 2 किलोमीटर से इधर से कभी राजभवन से लाते हैं, मतलब दूर दूर से पानी लाके मतलब पीना पड़ा। 2 किलोमीटर दूर से आता है पानी, उसको सूचना दिए, आज अजय मंडल को एप्लीकेशन दिए, अच्छा वोट दीजिए हम देंगे, लेकिन आज तक कभी नहीं आया देखने खातिर। ललन पासवान को क्या कहना चाहेंगे? जो ललन पासवान तो एक दिन हुलकने के लिए नहीं आया, हुलकने के नहीं है हम लोग। आप क्या कहना चाहेंगे ललन पासवान से या जो भी यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं या मुखिया हैं या कभी नहीं इस विभाग के कभी नहीं देखेंगे? अब कितना फुसलाएगा, हम लोग आदिवासी हैं, पढ़िया हैं, कभी कोई नेता को नहीं देखेंगे। हमारा मन होगा जिसको वोट देने का देंगे, नहीं तो किसी को वोट नहीं देंगे। हमको खाली बस जल दे दीजिए सरकार, बस। और जो घर गिरा हुआ है
दे दीजिए। पानी नहीं है तो ये इसके पानी से पिएंगे हम लोग का पानी है। पानी नहीं है तो क्या भरा भी नहीं है पानी? भरा भी नहीं है पानी। क्या हुआ, बंद हो गया चापाकल? बंद हो गया चापाकल, बंद हो गया। किसी से पानी का मांग नहीं किए हैं सरकार से? बोला तो भगाता है हम लोग का पानी के दिक्कत है। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की ओर से मुंदीचक स्थित स्वर्णकार धर्मशाला सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारतीय विश्वकर्मा महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने कहा कि भारत की राजनीति में विश्वकर्मा समाज को हमेशा से वंचित रखा गया है। विश्वकर्मा समाज को राजनीति में उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। जिनकी 2% आबादी है उन्हें सत्ता में सम्मान मिल रहा है, जबकि विश्वकर्मा समाज की आबादी 8% है फिर भी सत्ता से वंचित है। अब विश्वकर्मा समाज इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई में बहुत सा समाज पीछे रह गया है। आज सामाजिक न्याय की लड़ाई में बहुत सा समाज बहुत आगे निकल गया है, बहुत सा समाज बहुत पीछे रह गया है, जिसमें एक विश्वकर्मा समाज भी है। आज विश्वकर्मा समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारा जितना भी व्यवसाय था 99% व्यवसाय कॉरपोरेट घरानों के पास चला गया है। लकड़ी का काम टाटा करेगा, तो लोहा का काम अडानी अंबानी करेंगे, सोना का काम भी टाटा करेंगे। जितना भी काम था हमारा वो सब काम कॉरपोरेट घरानों में चला गया है। आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्वकर्मा समाज बहुत ही पिछड़ गया है। 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। हम विश्वकर्मा परिवार, विश्वकर्मा पुत्रों की आबादी 8.5% के आसपास है। 8.5% आबादी होने के बावजूद भी इस समाज का राजनीतिक रसूख 0 के बराबर है, जबकि आज़ादी के बाद से ही विश्वकर्मा समाज सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वोट तो देते हैं, पर हक और अधिकार लेने की बात आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि पांचों के पांचों विश्वकर्मा पुत्र को एक करने के लिए हम लोग पिछले 5 वर्ष से मुहिम चला रहे हैं। आज सुनार, लोहार, कसेरा, ठठेरा, कुम्हार एवं बढ़े, ये पांचों मिलकर हम लोग एक नई राजनीति की शुरुआत, और हम लोगों ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां आज देश में है, चाहे जितनी भी सरकारें बनी, किसी भी सरकार ने और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी देने का काम नहीं किया।